दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेबी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करने जाने वाले हैं बायो का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है नया चैप्टर है भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपका ये है चैप्टर 2। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके पहले हमने फ्लावर्स को डिस्कस कर लिया है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेल गैमेटोफाइट। क्या टॉपिक है? मेल गैमेटो फाइट, मेल गैमेटोफाइट जिसे पॉलन ग्रेन भी बोला जाता है। जनरली मेल गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन भी बोला जाता है, पॉलन ग्रेन भी बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो जनरली मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट से पहले कुछ समझ लेते हैं इसे कंटम्स रिलेटेड टू मेल गैमेटोफाइट। तो उससे पहले जो हमारा पहला आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसे बोला जाता है, जिसे स्टैमेन बोला जाता है, स्टैमेन बोला जाता है। तो इसके अंडर दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा फिलामेंट जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए पहले पार्ट हो जाएगा फिलामेंट। दूसरा पार्ट आ जाएगा जो कि हमारा बायलुब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर बोला जाता है, एंथर। तो ये हो जाएंगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि स्टैमेन से रिलेटेड है। पहला आ जाएगा फिलामेंट, दूसरा हो जाएगा एंथर। तो पहला जो सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है मतलब इस टाइप का जो कि फ्लावर के स्टैमेन से फ्लावर से अटैच होगा थैलामस से, उसे क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। तो ये हो जाएगा भैया पार्ट फिलामेंट। अब इसके ऊपर जो टिप पे जो एक बायलुब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोला जाता है भैया? एंथर। तो एंथर यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा एज कम्पेयर टू द फिलामेंट। फिलामेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंथर। अब यहीं एंथर में ही भैया हमारे पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से। तो चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर किस तरह से डेवलप करते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, तो एंथर किस तरह से डेवलप करते हैं। अगर एंथर की डेवलपमेंट की बात कर लेने से पहले से समझ लेते हैं एंथर के कुछ स्ट्रक्चर। तो एंथर क्या होता है? एक बायलुब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक, बायलुब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और हर एक ये क्या हो जाएगा? बायलुब्ड मतलब एक लूप हो गया, ये दूसरा ये एक लूप हो गया, और हर एक लूप में ना दो थीकाज होते हैं, मतलब एक थीका यहाँ दो थीका यहाँ, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डाय थीकाज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। हर एक लूप में कितना हो जाएगा? एक लूप हो गया, इसमें दो थीका यहाँ दो थीका, इसीलिए डाय थीकाज स्ट्रक्चर भी इसे बोला जाता है जनरली। और एंथर में क्या होता है? एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजियम्स प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारा फर्दर पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होंगे, ठीक, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमारे वो किस में कन्वर्ट होंगे? पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर डेवलप मतलब एंथर की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक बायलुब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स रहते हैं, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं, तो उससे पहले समझते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम किस तरह से और किन किन लेयरों से वो घिरा रहता है, ये हमारे लिए भी समझना जरूरी है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा भैया माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स और टिश्यूज, टिश्यू लिख सकते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली चार लेयर से ही घिरा रहता है अगर बात करूंगा तो। अगर ये हो गया एक हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यूज, तो इसको पूरा का पूरा अगर मैं एक इस तरह से लेयर से बनाता हूँ, इस तरह से एक बायलुब्ड स्ट्रक्चर और एंथर के रूप में बनाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और हर एक लेयर में क्या रहता है इसके, ये हो जाता है अगर हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यूज हो जाते हैं ये, तो ये क्या रहते हैं? चार लेयर से घिरे रहते हैं। तो पहला जो आउटर लेयर रह जाता है उसे एपिडर्मिस बोला जाता है, और इसके बाद एक और लेयर रहता है जिसे एंडोथीसियम बोला जाता है, और इसके बाद जो एक और लेयर आएगा ये एंडोथीसियम हो गया, इसके बाद ये जो लेयर मैं बना रहा हूँ इसे मिडल लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
सॉरी मिडल लेयर बोला जाता है, और इसके बाद जो ये घिरा रहता है, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ कलर, इसके बाद जो चौथा लेयर रहता है इसे टैपेटम बोला जाता है। ये जो एक लेयर हो जाएगा सबको सराउंडेड रहेगा, इसे टैपेटम। तो ये जो बाहर लेयर रहेगा इसे एपिडर्मिस बोला जाता है, एपिडर्मिस। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर रहेगा उसे एंडोथीसियम, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर रहेगा उसे मिडल लेयर बोला जाता है, मिडल लेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर रहेगा उसे टैपेटम बोला जाता है, ठीक। और जो मेन बीच में रहेगा उसे बोला जाता है भैया माइक्रोस्पोरेंजियम टीसूस। तो वो हो जाएगा भैया, ये होते हैं हमारे चार लेयर से घिरे रहते हैं, और ये चार लेयर्स क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव यूनिट्स की तरह वर्क करते हैं। जनरली जो हमारा टैपेटम रहता है, टैपेटम एक प्रोटेक्टिव यूनिट्स के साथ साथ एक नरिशमेंट लेयर की तरह भी वर्क करता है। मतलब जो हमारा माइक्रोस्पोर्स यहाँ से फॉर्मेशन होंगे, मतलब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम टीसूस क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम टीसूस के जो सेल्स रहते हैं वो माइक्रोस्पोर्स को फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स की जो फॉर्मेशन होता है वो टैपेटम लेयर उसे क्या नरिशमेंट करता है, मतलब उसे वेल न्यूट्रिएंट बनाता है, उसको एक वेल शेप देने में मदद करता है। तो ये टैपेटम का काम होता है सारा का सारा, ये काम करा माइक्रोस्पोर्स। और भैया यही माइक्रोस्पोर्स फर्दर हमारा पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक। उससे पहले बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये हो जाएगा जिसके थ्रू हमारा माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उससे पहले एक इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब भैया ये कब होगा, जो अब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम टीसूस पढ़ा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो टीसूस हैं अब ये क्या करते हैं, एक के बाद एक मियोसिस डिवीजन होता है, और ये क्या करते हैं एक टीट्रेट्स फॉर्म करते हैं। जैसे ये टीट्रेट्स डिहाइड्रेट हो जाएंगे मतलब सूख जाएंगे, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे से साथ डीअटैच हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से साथ अलग हो जाते हैं, और पोलन ग्रेन एक मैच्योर पोलन ग्रेन फॉर्म कर लेते हैं। तो चलिए भैया ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जनरली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है थ्रू पॉलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जनरली अ प्रोसेस थ्रू विच हमारा माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, किसके थ्रू, पोलन मदर सेल के थ्रू। इसे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब भैया यहाँ जो डिवीज़न होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जो डिवीज़न होगा वो हमारा होगा मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न के थ्रू हमारा क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक। अब भैया मियोसिस क्या होता है, मियोसिस वो होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमंस में मियोसिस की ह्यूमंस गैमेट्स में मियोसिस होता है, अगर हमारे मेरे हम लोग के 46 जनरली 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मियोसिस प्रोसेस होगा तो वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक। तो इनमें मियोसिस होता है जिसके थ्रू हमारा एक होता है हमारा एक हैप्लॉइड में माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अब यही माइक्रोस्पोर्स जो फॉर्म होते हैं वो एक माइक्रोस्पोर्स टी ट्रेड्स के फॉर्म में फॉर्म होते हैं, मतलब टी ट्रेड्स की फॉर्म में फॉर्म होते हैं, ठीक। अब ये टी ट्रेड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या साथ क्या करते हैं, अटैच रहते हैं। अब जैसे ही वो डिहाइड्रेट करते हैं मतलब सूख जाते हैं, उनका एटमॉस्फियर उनके पानी कमी हो जाती है, एंथर में ये एंथर पूरा हो जाएगा, अब यहाँ पूरा पानी की कमी हो जाएगी, तो ये एक के साथ क्या हो जाएंगे, एक के साथ एक अलग हो जाएंगे, और ये फर्दर हमारा मैच्योर फॉर्म में पोलन ग्रेन कहलाते हैं, पोलन ग्रेन। यही जो टीट्रेट्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच डी अटैच होके हमारा पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो चलिए भैया ये हो गया पूरा का पूरा टॉपिक जो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में पढ़ना था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, किससे, पोलन मदर सेल्स से थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस।
अब यही माइक्रोस्पोर्स हमारे टी ट्रेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वो डिहाइड्रेट करेंगे तो हमारे एक एक मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में एग्जिस्ट करने लगेंगे, जो कि हमारा स्टिग्मा में गिरेगा। इसके बाद हमारा पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया तो भैया हमारा ओवरी और सीड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा हम लोग पढ़ने हवे। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा पॉलन ग्रेन, जिसे मेल गैमेटोफाइट। तो आ गए हम मेन इंपॉर्टेंट में, मेल गैमेटोफाइट और जिसे पॉलन ग्रेन भी बोला जाता है। तो मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन होता गया है, तो हमने इससे पहले इसे समझ लिया मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन। जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है फ्लावर्स के, ठीक। अब यह जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी कुछ शेप्स और फीचर्स की बात कर ली जाए, तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं जनरली वो 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर होता है। क्या होता है? डी 25 से 50 माइक्रोमीटर तक उनका डायमीटर होता है। जनरली वो एक स्फेरिकल शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक सर्कुलर शेप में एग्जिस्ट करते हैं पॉलन ग्रेन, जिन्हें मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। ये हो गए कुछ फीचर्स और उनके शेप के बारे में। अब भैया बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में पॉलन ग्रेन्स का ही है। पॉलन ग्रेन्स में अब इसके बाहर में जो एक लेयर प्रेजेंट, ये जो हो गया हमारा माइक्रोस, ये एक पॉलन ग्रेन अगर हो गया ये हमारा, तो इसके बाहर में एक लेयर लगी रहती है। ये लेयर को क्या बोला जाता है? स्पोरोड्रम बोला जाता है। अब भैया इस जो स्पोरोड्रम रहता है, स्पोरोड्रम ये दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है जो आउटर हार्ड लेयर रहता है जिसे एग्जाइम बोला जाता है, और इनर जो थिन लेयर रहता है जिसे इंटाइन बोला जाता है। तो आउटर लेयर क्या हो जाएगा? एग्जाइम। इनर लेयर जो होता है जिसे इंटाइन, ठीक। जो आउटर लेयर रह जाता है एग्जाइम, वो एक क्या होता है? इनकंटिन्यूस लेयर भी उसे बोला जा सकता है, या फिर हार्ड लेयर बोला जा सकता है। क्या? हार्ड लेयर, ठीक। ये जो हार्ड लेयर रहता है ये एक बेसिकली बहुत ही हार्ड ऑर्गेनिक मैटर से बना रहता है, जिसे स्पोरोपोलिन बोला जाता है। स्पोरोपोलिन बहुत ज़्यादा हाई एडवांस कंडीशन को सहने के लिए सक्सेसफुल रहता है, जैसे कि हाई पीएच वैल्यू, अगर एटमो जो पीएच वैल्यू कह सकता है एसिडिक हो या बेसिक हो, टेम्परेचर सह सकता है, ह्यूमिडिटी सह सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स में भी हमारा पॉलन ग्रेन्स को एग्जिस्ट करके रखता है, मतलब जिंदा करके रखता है। इसी कारण ही जो एग्जाइन रहता है उसी के कारण ही ये एक वेल फॉजिल्स की तरह भी एक्ट करते हैं जो हमारे पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। अब ये जो नेक्स्ट लेयर आते हैं इंटाइन, इंटाइन जनरली एक कंटिन्यूस लेयर रहता है और ये थिन लेयर रहती है। थिन लेयर मतलब एक पतली लेयर रहती है जनरली, जो कि बहुत ज़्यादा पतली बोल सकते हैं, और जो एक कंटिन्यूस लेयर रहती है जनरली इसमें कोई भी होल होल नहीं रहता है, ठीक। तो इसे इंटाइन बोला जाता है, और ये भी एक प्रोटेक्टिव यूनिट्स की तरह वर्क करती है। अब भैया इंटाइन और एग्जाइन की लेयर की अगर बात करता हूँ, तो ये जो एक अगर मैं इसको एग्जाइन लेयर मानता हूँ बाहर की, तो एक जगह ये ओपनिंग रहता है, ये एग्जाइन लेयर की, एग्जाइन लेयर की बाहर में ओपनिंग रहती है, ठीक। अब ये जहाँ पास ओपनिंग रहती है उसे जम पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जम पोर। क्या बोला जाता है? जम पोर। अब यही जम पोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण हमारा पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही हमारा कोई भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो स्टिग्मा के ऊपर उसे ओवरी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारा जम पोर ही एक्ट करता है, और केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। अगर ये जनरली सक्सेसफुल पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो गया तो हम भैया फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सक्सेसफुल हमारा पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हुई तो सक्सेस रेट बहुत कम होता है, ठीक। तो जम पोर हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलन ट्यूब्स की फॉर्मेशन करने के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट लेयर आती है इंटाइन, ये वाली जो लेयर हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी थिन लेयर यानी इंटाइन। ये कंटिन्यूस लेयर रहती है, मतलब इसे कहीं होल नहीं रहता है, ठीक। अब ये हो गया स्पोरोड्रम। अब इसमें दो टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन्स की अगर बात करेंगे, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में दो टाइप के सेल्स रहते हैं, ठीक। ये हो जाएगा दो टाइप्स के सेल्स रहते हैं, जो एक होता है, मतलब इस तरह से बात कर सकते हैं, दो टाइप्स के इसमें सेल्स प्रेजेंट रहते हैं।
अब जो बाय का जो सेल रहता है वो एक हार्डर मतलब एक बहुत ज्यादा लार्ज शेप का रहता है सेल, जिसे जनरेटिव सॉरी वेजिटेटिव सेल बोला जाता है। ये वाला कौन सा सेल हो जाएगा? दो टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, एक होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, दूसरा जो होता है स्मॉलर उसे जनरेटिव सेल बोला जाता है। ठीक, दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक वेजिटेटिव सेल दूसरा जनरेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल रहता है उसकी क्या खासियत रहती है और जो जनरेटिव सेल्स रहते हैं उनकी क्या खासियत रहती है? तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव सेल्स। तो जनरली वेजिटेटिव सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका एक लार्ज साइटोप्लाज्म होता है, आप देख सकते हैं एक लार्ज साइटोप्लाज्म रहता है और एक वेल प्रिजर्व फूड रिजर्व बोल सकते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का फूड रिजर्व उनके पास रहता है, मतलब फैट प्रोटीन न्यूट्रिएंट लेवल, इसके बाद ग्लूकोज लेवल स्टार्च लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा हाईली अमाउंट में रहता है वेजिटेटिव सेल्स का। इसके बाद दूसरा इसमें अगर बात करेंगे तो इसके न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस एक डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, बस इसका न्यूक्लियस का शेप जो रहता है वो इररेगुलर रहता है, कोई भी इसका फिक्स शेप नहीं रहता है। वेजिटेटिव सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ही हमारा में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो ये वेजिटेटिव सेल्स हमारा क्या प्रोवाइड करते हैं, उसे इनर्जी प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट गैमेट्स के लिए। ठीक, और डेवलपमेंट ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा उसके भी फूड प्रोवाइड करते हैं काफ़ी टाइम तक जिंदा करके रखने के लिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जनरली एक स्मॉल सेल्स होते हैं और इसके बाद इनका साइटोप्लाज्म भी काफ़ी स्मॉल होते हैं, और जो न्यूक्लियस बात करेंगे तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा सा न्यूक्लियाई बट वो भी एक टाइप का डिफाइंड ही न्यूक्लियाई रहता है। ठीक, जनरेटिव सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्दर ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, दो स्टेजेस में मतलब माइटोटिकली डिवाइड होता है, कि इसे माइटोटिकली दो टाइप दो गैमेट्स देता है जी, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, कितने दो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है माइटोटिकली जनरेटिव सेल्स। अब ये जो दो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं जनरली यही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक जो होगा हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट कर जाएगा मतलब फ्यूज कर जाएगा, दूसरा एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, और इस दोनों के साथ एक ही साथ ये प्रोसेस होता है और ये हमारा एक प्रोसेस होगा जिसे डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, तो आगे हम जाके डिस्को मतलब पढ़ने वाले हैं। चलिए भैया, होता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स दो गैमेट्स रिलीज करता है फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होके। ठीक, आप भैया दोनों गैमेट्स बराबर ही रहते हैं, अब उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं इसी में, अब आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना है जो कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड हैं। ठीक, तो चलिए भैया इससे सबको रब कर देते हैं। अब पॉलन ग्रेन से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि कुछ मेल गैमेटोफाइट्स यानी पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके कारण काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि एलर्जेंस जिसे बोला जाता है, एलर्जेंस पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। भैया बात करेंगे तो जैसे कैरोट ग्रास हो गया, उसके पॉलन ग्रेन्स से काफ़ी लोगों को ब्रोंकाइटिस में उनकी प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण उन्हें अस्थमा होने के खतरा होता है, मतलब रिस्पेक्टिव लोगों को एलर्जी भी हो सकता है। तो चलिए भैया पॉलन ग्रेन्स की और कुछ वेराइटीज़ की बात करते हैं, मतलब कुछ इनकी पॉइंट्स पॉलन ग्रेन इसकी, जैसे कि मैं बात करता हूँ वैलिडिटी यानी एक्सपायरी डेट। पॉलन ग्रेन्स की जनरली एक्सपायरी डेट 30 मिनट से हो सकती है, एक मंथ भी हो या फिर हो सकता है कुछ साल तक, इसीलिए इन्हें बेस्ट फॉसिल्स की तरह भी स्टोर किया जा सकता है, मतलब एक फॉसिल फ्यूल्स की तरह भी स्टोर किया जा सकता है जो कि फर्दर आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलन बैंक्स में जनरली इन्हें स्टोर किया जाता है और जो टेम्परेचर रखा जाता है वो -196 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, मतलब कितना ज़्यादा ठंडा में स्टोर किया जाता है। ट्रिक, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोला जाता है इस टाइप के ठंडे में स्टोर करने को। ठीक, तो इसमें पॉलन ग्रेन्स का स्टोर किया जाता है, फर्दर कोई भी एडवांस कंडीशन आती है, कोई भी खतरनाक कंडीशन आती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स या फिर प्लांट्स की उस वेराइटीज की कमी हो जाती है या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो ये हम पॉलन ग्रेन्स से पॉलन बैंक से उससे पॉलन ग्रेन्स को लेते हैं और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं कर सकते हैं। ठीक, और भैया इसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ जो 30 मिनट्स रहते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट, इनकी जो पॉलन ग्रेन्स की वैलिडिटी है तो जनरली 30 मिनट्स तक रहती है। अगर वहीं कुछ और प्लांट्स जैसे मैंगोज हो गए तो फॉर अ मंथ तक रहती है, और कुछ जैसे भी हैं जिनकी फॉर अ ईयर तक भी वैलिडिटी रहती है। अब भैया ये जो मैंने बोला था कि इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स रहते हैं,
वेजिटेटिव सेल्स में हाईली रिच वैक्यूल्स रहते हैं, उसका फूड वैक्यूल्स मतलब उसमें फैट प्रोटीन स्टार्च काफी हाई अमाउंट में रहता है, इसलिए इन्हें पोलन टैबलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसने सिरप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि एथलीट्स द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी बिल्डर्स द्वारा अपनी बॉडी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पोलन टैबलेट्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए कि दैट पोलन ग्रेन्स एक वेल फॉसिल्स की तरह स्टोर किया जा सकता है, हमने इसकी बात की थी क्योंकि इसके बाहर एक स्पोरोड्रम की एक लेयर रहती है जो इसे काफ़ी हार्ड बनाती है और काफ़ी एडवांस कंडीशन से भी बचाने में मदद करती है। तो बस भैया अभी इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको कमेंट में एक क्वेश्चन फिर अब मिल जाएगा, आपको उसका आंसर #ANS से देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक बटन नहीं दबाया है तो दोनों काम फटाफट कर लीजिए और उसके बगल में डिसलाइक भी आप दबा सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओहो, अरे बंद कर भाई।